नमस्ते दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं मटन का दालचा। मटन को मैंने एक स्पून नमक, थोड़ा हल्दी, एक स्पून धनिया पाउडर डालकर मैरिनेट के लिए रखा था। अभी इसको थोड़ा स्टोव पर कढ़ाई रखकर, वो मैरिनेट के लिए रखा था ना, वो डालकर थोड़ा फ्राई करना है, दो 5 मिनट तक अच्छे से। अभी इसमें एक तो छोटा सा प्याज भी डाल रही हूँ, डालकर इसे अच्छे से फ्राई करना है, तभी टेस्ट अच्छा आता है। 5 मिनट लगता है। इधर देखिए, वो मटन होने तक इधर 3/4 कप तुर दाल लिया है, इसमें थोड़ा चना दाल डालकर फुल कर लेती हूँ। ये 150 ग्राम दाल दो बेड मिलाकर है, इसे अच्छे से धो लेते हैं। अभी देखिए क्या अच्छे से फ्राई हो गया मटन, पानी सब सूख गया। इस स्टेज में डाल लेते हैं। अभी देखिए ये दाल में डाल लिया है। अभी कुकर स्टोव पर रख देती हूँ, लिड क्लोज करकर 3 विजल छोड़ देती हूँ। ग्राइंड करने के लिए देखिए, थोड़ा अदरक का पीस, थोड़ा लहसुन का कलिया, आधा इंच ये दालचीनी, 4 लवंग, 2 स्पून लाल मिर्च, 1 स्पून धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी, 1 स्पून नमक, 2 टमाटो, थोड़ा हरी धनिया, छोटा सा 2 पीस कोकोनट, लौकी भी थोड़ा कट कर लिया है, इमली 1 नींबू जितना पानी में भिगो कर रखा है। ये सब अभी ग्राइंड करके दिखाती हूँ। अभी ये ग्राइंड कर लिया है। इधर कुकर भी 3-4 विजल होकर ऐसा मटन भी अच्छे से कुक हो गया। देखिए सॉफ्ट से टूट रहा है। इस स्टेज में ये लौकी कट कर कर रखी थी ना, ये लौकी डाल लीजिए। ये ग्राइंड किया हुआ मसाला वो भी डाल लीजिए। मसाला सब डाल लिया है। अभी ये मिक्सी धोकर थोड़ा पानी भी डाल लेती हूँ। अभी ये इमली रखी थी ना, इसमें डाल लेती हूँ इमली का पानी। अच्छे से मिक्स करके थिकनेस देख लीजिए और थोड़ा पानी डाल सकते। अभी देखिए ये सांबा जैसा आया है। अभी इसको स्टोव पर रख दीजिए 1 विसल। लिड क्लोज करके 1 विसल छोड़ दीजिए। अभी देखिए मेरा कुकर ठंडा हो गया। दालचा कितना अच्छा सा आया है, ये बहुत टेस्टी लगता है बिरयानी के साथ, मुद्दे के साथ, व्हाइट राइस के साथ, किसी के साथ भी ले सकते हैं। मैं प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए मेरा दालचा हो गया। अभी सर्विंग बोल में ले लिया है। कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए टेस्ट भी बहुत स्वादिष्ट आया है। ये बिरयानी के साथ तो बहुत टेस्ट लगता है, और मुद्दे, वाइट राइस, चपाती, किसी के साथ भी इडली तो साथ किसी के साथ भी ले सकते हैं, बहुत टेस्ट लगता है। आपको पसंद आया तो घर पर बनाइए। कैसे आएगा तो मेरे कमेंट पर कहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।